दोस्तों, सूर्य ग्रहण सुनते ही लोगों के होश उड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों को लगता है कि सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव ही होता है। लेकिन आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि सूर्य का सिर्फ दुष्प्रभाव ही नहीं बल्कि अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि 30 अप्रैल को 2022 में लगने वाला है साल का पहला सूर्य ग्रहण। इन चार राशियों पर होगी धन की वर्षा। इन चार राशियों के जातक बन जाएंगे माला माल, सफलता चूमेगी कदम, चमक जाएंगे किस्मत के तारे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन भाग्यवान राशियों के बारे में बताएंगे जिन पर इस सूर्य ग्रहण का बहुत ही शुभ असर पड़ने वाला है, जिनके सितारे बुलंदियों पर होंगे, जो बन सकते हैं करोड़पति। क्या आपकी राशि भी इन बेशुमार भाग्यशाली राशियों में शामिल है? आइए देखते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का विशेष महत्व है। जिस दिन सूर्य ग्रहण पड़ता है उस दिन कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है। सूर्य को पिता और आत्मा का कारक माना जाता है। सूर्य व्यक्ति के करियर, संपन्न, सहन शक्ति, जीवन शक्ति, इच्छा शक्ति, मान सम्मान, राजयोग प्राप्त आदि का कारक भी होता है। और धार्मिक दृष्टि से सूर्य पर ग्रहण लगना अशुभ माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में सूर्य को देवता के रूप में पूजा जाता है। मगर विज्ञान के दृष्टिकोण में इसे एक बड़ी खगोलीय घटना के रूप में देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य किरण पूरी 12 राशियों पर अपना अच्छा या बुरा असर डालता है। दोस्तों, साल का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को लगेगा। ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। यह सूर्य ग्रहण मध्य रात्रि 12:15 से शुरू होगा और सुबह 4:07 तक रहेगा। दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन इसका ज्योतिषीय असर राशियों पर अवश्य पड़ेगा, आपके जीवन पर भी अवश्य पड़ेगा। इसीलिए इसे आप नजरअंदाज ना करें। यह सूर्य ग्रहण खासकर दक्षिण पश्चिम और अमेरिका प्रशांत अंटार्कटिका में दिखाई देगा। दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण मेष राशि तथा भरणी नक्षत्र में लगेगा। मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह है, इसीलिए भी इस ग्रहण का महत्व और बढ़ जाता है। ग्रहण की घटना धार्मिक और वैज्ञानिक नजरिए से बहुत ही खास मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। आपको बता दें कि किसी भी ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, भगवान की पूजा भी नहीं की जाती। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान कई प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, जिसका असर सीधे तौर पर मनुष्य पर पड़ता है। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या ना करें? ग्रहण काल में आईना नहीं देखना चाहिए, इससे नकारात्मकता बढ़ जाती है। सूर्य ग्रहण के दौरान खाने में तुलसी के पत्ते डालकर भोजन करना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके श्री हरि का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम नाम का जाप करें। इस दिन मानस पूजा, मंत्र जाप तथा भजन आदि जरूर करें, सात्विक भोजन ही करें। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को राम नाम का जाप अवश्य कर लेना चाहिए, इससे आपके शिशु पर जो कष्ट होगा वो दूर भाग जाएगा। सूर्य ग्रहण के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य ना करें। इस समय मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान यात्रा को भी टाल दें। सूर्य ग्रहण के दौरान श्रृंगार या मेकअप आदि ना करें। भोग विलास से दूर रहें। ग्रहण काल में मांस मदिरा का सेवन कतई न करें। सूर्य ग्रहण के दौरान जब आपको किसी जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ जाए, तब ऐसे में 21 बार शिव शिव का जाप अवश्य कर लें, फिर आप बाहर जा सकते हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान अवश्य कर लें, नहीं तो आपके ऊपर नकारात्मकता हावी हो सकती है। दोस्तों, ग्रहण समाप्त होने के बाद दान अवश्य करें, इससे जितनी भी आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा होगी वह समाप्त हो जाएगी। ऐसा करने से सूर्य प्रबल होता है। दोस्तों, अब जानते हैं वो ऐसी कौन सी चार राशियां हैं जिन पर सूर्य ग्रहण बहुत ही अच्छा प्रभाव डालने वाला है। ये सूर्य ग्रहण इनके लिए लकी साबित होगा। खासकर चार राशियां ऐसी हैं जो इस सूर्य ग्रहण के असर के कारण सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगी। इन चार राशियों के जातक धन संपदा में काफी लाभ प्राप्त करेंगे। नौकरी व्यापार में चमत्कारिक रूप से तरक्की होगी। ये सूर्य ग्रहण इनके लिए लकी साबित होगा।
इसीलिए अशुभ माने जाने वाला ये सूर्य ग्रहण आपको अद्भुत लाभ भी देगा। दोस्तों, सबसे पहले भाग्यशाली राशि है मेष राशि। मेष राशि में ही ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जो कि बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। इनके समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक स्तर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस समय आपका भाग्य सातवें आसमान पर होगा। ये सूर्य ग्रहण आपके लिए लकी साबित होगा और घर परिवार में सुख शांति का पूर्ण माहौल रहेगा। मेष राशि के जातकों की धार्मिक अध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पुरानी आर्थिक समस्याओं से इस ग्रहण के दौरान छुटकारा मिल जाएगा। नौकरी पेशा जातकों के तरक्की के योग बन रहे हैं। जिन कार्यों को आप पूरी मेहनत और लगन से करेंगे, उसमें सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, अगली भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातक इस सूर्य ग्रहण के आसपास के समय में एक अजीब सकारात्मक बदलाव को महसूस करेंगे। साथ ही पद प्रतिष्ठा में भरपूर इजाफा होगा। धन आगमन के नए स्तोत्र सामने आ सकते हैं। अचल संपत्ति से लाभ मिल सकता है। ये सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। आपके खर्चों में कमी आएगी और बचत बढ़ जाएगी। स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी अनदेखी ना करें। हालांकि कोई बहुत बड़ा स्वास्थ्य नुकसान नहीं है, लेकिन सचेत रहिए। कुल मिलाकर चारों ओर से लाभदायक स्थितियां बनी हुई है कन्या राशि वालों के लिए। दोस्तों, तीसरी भाग्यशाली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण बेहद ही शुभ कारक रहेगा। हर मोर्चे पर आप सफलता के झंडे गाड़ेंगे। कई क्षेत्रों में लाभ होगा। धन लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। धन संपदा में वृद्धि होगी, लेकिन निवेश सोच विचार कर ही करें। किसी के भी कहने पर निवेश न करें, आगे चलकर नुकसानदायक हो सकता है। हमेशा याद रखें, वाणी में मिठास रखें, भावनाओं को काबू में रखना सीखें। और अगर देखा जाए तो ये सूर्य ग्रहण आपके लिए कई शुभ अवसर लेकर आया है। दोस्तों, चौथी लकी राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों को ये सूर्य ग्रहण सभी परेशानियों से बाहर निकालेगा। खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। संतान सुख और कार्यों में सफलता खुशी दिलाएगी और प्रभावशाली लोगों से संबंध मजबूत होंगे। शुभ कार्यों में हिस्सा लेंगे। धन संपत्ति में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर साल 2022 का ये सूर्य ग्रहण आपके लिए ढेर सारी सौगात लेकर आया है। अब आप मिठाइयां बांटें, लोगों का मुंह मीठा करें। ये सूर्य ग्रहण आपके लिए काफी प्रभावशाली रहने वाला है। विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर ये सूर्य ग्रहण आपके लिए चांदी ही चांदी देकर जाएगा। दोस्तों, अगली भाग्यशाली और लकी राशि है मकर राशि। इस राशि वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण किसी वरदान से कम नहीं होगा। ये सूर्य ग्रहण इनके लिए ढेरों सौगात लेकर आने वाला है। मुबारक हो, अब आप धनी होने वाले हैं। लेकिन याद रहे, आपके लिए कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए। जैसे कि वाणी में मिठास लाएं, लेन देन के मामलों में किसी पर भी विश्वास न करें। दोस्तों, सूर्य ग्रहण काल में अगर आप इस समय ईश्वर का जाप करते हैं, तो ये सूर्य ग्रहण आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, बल्कि आपको धन दिलाएगा, सुख समृद्धि दिलाएगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।